शुरू करते हैं आज का वीडियो इस पहले सवाल से और आप सभी को इस इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में ये लाइव क्विज है तो पार्टिसिपेट कीजिए कोशिश कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने चार तरह के इको दिए हुए हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइगर आपको एक्चुअली इन चार इकोसिस्टम्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एलबीडो वैल्यूज का इन इकोसिस्टम के लिए अब अगर नहीं पता मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता का का मतलब मतलब होता है किसी मतलब किसी भी या किसी भी या की उसकी इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी जितनी सनलाइट उसके ऊपर गिरी उस सनलाइट को कितनी परसेंट सनलाइट को वापस भेज पाता है उसकी इसी रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी को कहा जाता है एल्बिडो यानी सनलाइट जितनी आई उतनी सनलाइट वापस गई कितने परसेंटेज वापस किया दस परसेंट बीस परसेंट चालीस परसेंट वो उसकी एल्बिडो वैल्यू होती है तो आपको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में में यानी पहले सबसे मैक्सिमम वैल्यू और फिर मिनिमम एल्बिडो इसको अरेंज करना है पंद्रह सेकेंड का समय समय लीजिए सोचिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिडियस टाइगर टुंड्रा में सबसे ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कौन कर सकता है और सबसे कम इसमें कौन कर सकता है आपके पास पंद्रह सेकेंड का समय तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों एक्चुअली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से था यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो टुंडरा है टुंडरा आपको सबसे ज्यादा टुंडरा वेजिटेशन वैसे भी कौन सी होती है जो 60 डिग्री और 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है 60 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाने वाली टुंडरा कहलाती है टाइगा होती है जो आपकी कम से कम आप कह सकते हैं लगभग पचास फोर्टी फाइव फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी के आसपास आपको देखने को मिलती है वो आपकी टाइगा है और ट्रॉपिकल वाली जो है आपकी दैट इज विद इन विदर्टी ये करीब करीब थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ही रहती है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो राइट आंसर होगा इट टू वन यानी टुंड्रा मैक्सिमम एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपका मिनिमम ये इसका राइट right आंसर है इसकी एलबीडो वैल्यूज के हिसाब से दूसरा जो सवाल है दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है अबाउट द विंड सर्कुलेशन देखो यार यहाँ पे एक आपको विंड सर्कुलेशन का एक जो देखो विंड जब सर्कुलेट करती है वो ऐसे करती है सरफेस एडवेक्शन राइजिंग कन्वेक्शन, अपर एयर एडवेक्शन और सबसाइडिंग कन्वेक्शन और इस वजह से ये सेल बन जाता है ये विंड सर्कुलेशन सेल होता है सेल के हिसाब से इसी सर्कुलेशन में कोई भी हवा मूव करती है अब तीन तरह के हमने विंड सर्कुलेशन सेल पढ़े हैं फेरल सेल हेडले और पोलर आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है क्या फेरल सेल आपको ट्रॉपिक्स में मिलता है क्या हेडले सेल आपको मिड में मिलता है और क्या सेल पोलर सेल आपको पोलर रीजन में मिलता है तो आप मुझे बताएं इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा परमानेंट विंड्स के बारे में जो परमानेंट विंड्स हैं परमानेंट प्रेशर विंड्स विंड उनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तीन तरह की प्रेशर विंड्स आपने पढ़ी है तीन तरह की प्लानिटरी आपने पढ़ी है फेरल सेल बनाती है वेस्टर्सिज वेस्टर करके हवा होती है वो बनाती है हेडले सेल बनाती है आपकी ट्रेड ठीक है और ट्रेड क्लियरली मिड लैटिट्यूड में नहीं होती है उल्टा दिया है एक्चुअली क्योंकि हेडले सेल आपको ट्रॉपिक्स में मिलता है ट्रॉपिक्स के अंदर ट्रेड विंड होती है और मिड लैटिट्यूड के अंदर आपको मिलता है फेरल सेल बिकॉज वहां होती है वेस्टर्स तो पहले और दूसरा आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है. तो ये दोनों गलत हो गए तो आपका राइट आंसर हो गया सी और जो पोलर सेल है वो बनाती है तीसरी हवा जिसका नाम है विंड्स ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा सी चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और ये एक, एक डायग्राम भी है आपके सामने अगर आपने डायग्राम नहीं देखा है तो डायग्राम आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों ये है डायग्राम हमारे तीनों जो प्लानिटरी विंड्स का है ये पूरा एरिया ट्रेड विंड्स का आप देखेंगे बीच में ये पूरा एरिया ट्रेड विंड्स का वेस्टर्स का और ये ईस्टर्लीज का इस तरह से सर्कुलेट होता है कभी किसी दिन अगर आपका मन है अगर आप चाहते हैं कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए इस पूरे सिस्टम इस डायग्राम के ऊपर एक वीडियो अगर आप चाहते हैं बनवाना तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा आई एम श्योर दैट पर्टिकुलर वीडियो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ आपको बताना है कंसिडर करना है स्टेटमेंट है अबाउट द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर देखो यार टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर लैटिट्यूड्स का क्या प्रभाव पड़ता है लैटिट्यूड्स के हिसाब से कैसे टेम्परेचर वेरी कर सकता है जो करेक्ट है आपको वो बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है जो आइसोथर्म्स होते हैं जनरली वो पैरल ही होते हैं लैटिट्यूड के आइसोथर्म्स क्या होते हैं आइसोथर्म वो एरिया होते हैं वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे वी हैव द सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर के पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो तो आपके आइसोथर्म बन जाते हैं डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड ऑफ आइसोथम इज मोर इन जुलाई स्पेशली इन नॉर्दर्नोस्फेर नॉर्थ डेविएट करते हैं टू द नॉर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीम एंड नॉर्थ एटलांटिक तीनों में से क्या स्टेटमेंट सही होनी चाहिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों क्योंकि जनरली इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड हम एक बहुत सिंपल सा मान लेते हैं कि आर विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होता है मतलब जितना मैं इक्वेटर से दूर जाऊंगा पोलर एरिया की तरफ जाऊंगा मेरा धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम होता है ये तो जनरल स्टेटमेंट है ये तीन स्टेटमेंट थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर ज्यादा डालेंगी लैटिट्यूड टेम्परेचर में ये बीच में कहा से आ गए वेल द राइट आंसर इसका इन केस में हैज टू बी इनकेस एंड है पहला और तीसरा सवाल बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आंसर आपका बी होगा आइसोथर्म्स जो है बिल्कुल लगभग लैटिट्यूड्स के पैरेलल ही चलते हैं ये लैटिट्यूड्स हैं तो आइसोथर्म भी आपके करीब करीब इस तरह से चलते हैं लेकिन एक डेविएशन आता है आपका जनवरी के महीने में जुलाई यहाँ पे गलत दे रखा है जनवरी के महीने में एक डेविएशन आता है जब आपके आइसोथर्म जो है जो जनवरी के आइसोथर्म है वो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में काफी ज्यादा डेविएट होते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में हमारे पास जमीन ज्यादा है लैंड ज्यादा है इसलिए डेविएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ मंथ आपका गलत दिया है तो ये गलत हो गया आंसर हैजी बी और ये सही है नॉर्थ एटलांटिक ओशन के अंदर जो आइसोथर्म्स हैं वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो जाते हैं क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में दो वार्म वार्म ओशन करंट्स हैं एक आपका गल्फ स्ट्रीम है उसी से आगे नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट निकलता है जिसकी वजह से वहां पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है पानी के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइसोथर्म्स में थोड़ा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा तीसरा ये क्वेश्चन था क्वेश्चन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना भाई बाद में पीडीएफ डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ क्वेश्चन नंबर चार है इंडियन जोग्राफी में अरावली रेंजेस के ऊपर बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है अरावली के बारे में अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दुनिया का एंड ओल्डेस्ट इन इंडिया दुनिया भर में वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन और इंडिया में तो सबसे ही पुराना अरावलीज को माना जाता है इनकी अलाइनमेंट इनका जो ओरिएंटेशन है जिस डायरेक्शन में ये है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन है बाकी लूनी बनास और साहिबी ये तीन रिवर्स हैं जो अरावली रेंज से निकलती हैं आपके हिसाब से क्या स्टेटमेंट सही है सही है करेक्ट है नहीं करेक्ट है <coughs> बताइएगा क्या इसमें राइट आंसर होना चाहिए तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने पंद्रह सेकेंड का समय और मैं देख रहा हूं दोस्तों कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में आपके आंसर रुकने नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर करते रहे ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर डाल के करना पर आंसर क्वेश्चन फोर का फिर ए बी सी या डी ऐसा करके आंसर दीजिएगा देखो यार फर्स्ट सही है बिल्कुल सही है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावलीज है और दुनिया की भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये ध्यान रख लेना इसको कई बच्चे ब्लॉक माउंटेन समझते हैं पर ब्लॉक नहीं है ये एक फोल्ड माउंटेन ठीक है ठीक वैसे जैसे हिमालयाज है हिमालयाज और अरावली में इतना ही फर्क है कि हिमालयाज काफी यंग है अरावली काफी पुरानी है बस और कोई फर्क नहीं है प्रोसेस लगभग दोनों का सेम ही रहा है प्रॉब्लम है इसके ओरिएंटेशन में थर्ड स्टेटमेंट भी सही है हम सबको पता है अरावली से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं लूनी बनास प्रॉब्लम <coughs> <सही भी भी। coughs> है क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर टू में क्या प्रॉब्लम है स्टेटमेंट टू में प्रॉब्लम यह है कि इसका ओरिएंटेशन देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन कैसे बनेगा वो ऐसे बनेगा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट ऐसा होता है पर क्या अरावलीज ऐसे है नहीं हमने तो पढ़ा है अरावलीस को देखा है अरावलीस की ओरिएंटेशन तो ऐसी है। ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है ना कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट दोनों में फर्क आ गया ना टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ये है एग्जैक्टली अच्छा इसमें भी बच्चे बहुत बार क्या गलती करते हैं बच्चे गलती अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे अरावलीस की ओरिएंटेशन देखोगे बच्चे क्या गलती करते हैं हमको लगता है कि इसकी स्टार्टिंग ये है और एंड ये है जबकि एक्चुअली में इसकी स्टार्टिंग अरावली इसकी यहाँ से दिल्ली से मानी जाती है दिल्ली से लेकर के और अहमदाबाद तक ये ओरिएंटेशन है इसलिए ओरिएंटेशन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कही जाती है समझ रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली दिल्ली के पास से अरावली का और यहाँ पे सबसे जो एक यहाँ पे आपका अबू रेंज जो है अबू हिल्स माउंट अबू जहाँ पे है वो भी आपका इसी का एक डाइसेक्टेड पार्ट है अच्छा मुझे एक सवाल आपसे पूछना है क्या आप मुझे बता सकते हैं अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक क्या है अगर आप जानते हैं अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंडियन जोग्राफी में हम अक्सर पढ़ाते हैं तो हाइएस्ट पीक क्या है अरावली अरावली रेंजेस की कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में और साथ में उस, उसकी मीटर के अंदर उसकी हाइट भी मैंशन करना कितने मीटर की वो पीक है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको आंसर जरूर देंगे आखिरी सवाल ओशन <coughs> करंट्स <coughs> के रिगार्डिंग आपके सामने ये रहा दोस्तों ओशन करंट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ओशन करंट जो हैं दे आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन ओशन करंट अफेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन ओशन दंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ हीट बैलेंस बताइए क्या है सही स्टेटमेंट आपके हिसाब से वन टू टू थ्री वन थ्री या फिर वन टू थ्री जो भी आंसर है आखिरी सवाल है ये और इसके बाद मैं आपको कुछ दो मिनट के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताऊंगा तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा आप ही का फायदा है वीडियो को आखिरी तक देखने में अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है ओशन करंट स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ दी ओशन नहीं है दोस्तों और ये सिर्फ सरफेस मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है हमारे पास अंडर वाटर करंट भी होते हैं सरफेस करंट भी होते हैं और ये स्लो मूवमेंट नहीं है कंपैरेटिवली ये फास्ट मूव करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है बाकी सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही ओशन करंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनमें से वन ऑफ द फैक्टर कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन भी होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं और बिल्कुल कल ही हमने आपसे पूछा था कि बिल्कुल ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं ओशन करंट तो यस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ हीट बैलेंस तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड आंसर सही यानी कि आंसर होगा बी टू एंड थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो आपके ये थे दोस्तों पांच सवाल उम्मीद करता हूं तो पसंद आए होंगे अगर इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी बुक ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस को भी रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में काम आएगा इसका जो लिंक है जो है आपको कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया गया है आप एक बार जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक और आज तो स्पेशल ऑफर है दोस्तों सिर्फ वन में आपको ये बुक मिल सकती है और वन अगर आप चाहते हैं बुक आपको मिले तो एक बार जरूर लिंक चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी अब आप मेरे साथ जॉग्रफी एनसीआर की भी तैयारी कर सकते हैं जोग्रफी एनसीआर टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है अब टाइम जो इसका दस बजे होगा रात को बजे की आधा आधा घंटे की क्लास लगा करेगी तो ज्योग्राफी एनसीआरटी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं सिक्स टू ट्वेल्थ सिक्स क्लास में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जरूर देखना जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अनलॉक यूपीएससी तो उसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक बार इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों और अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं अगर आप सीरियसली गाइडेंस चाहते हैं यूपीएससी के टॉपर बनना चाहते हैं तो अन के साथ जरूर जुड़े अन के ऊपर दो और दो की प्रेपरेशन करने वाले बैचेस के लिए एक बार फिर से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेंटी दिसंबर यानी कि कल और आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए आप इस बैच में एनरोल कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी को और साथ ही साथ में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है दोस्तों स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप इस महीने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपको पुराना प्राइस पे नहीं करना अब आपको करीब करीब पचपन हजार पांच सौ तेईस रुपए पे करने हैं लेकिन ये वाला प्राइस भी मत पे करना क्योंकि आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट मेरा रेफरल कोड आशीष मलिक का इस्तेमाल करके आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जोग्राफी हिस्ट्री एथिक्स और करंट अफेयर्स ये सारे सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़े अन अकेडमी के कोर्सेज के लिए थैंक यू सो मच गाइज सो चेकआउट इसका जो सब्सक्रिप्शन uh, का जो लिंक है वो भी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया हु, हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जो है डिटेल मिल जाएगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर मिलते हैं अगली वीडियो में अब आज आज की दूसरी वीडियो कब आएगी दोस्तों आज हम शाम चार बजे हमारी आज की सेकंड वीडियो रिलीज करेंगे और आठ बजे आज हमारी तीसरी थर्ड वीडियो रिलीज करेंगे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर